हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न। मैं सचरी चंद और आज आपके लिए मैं जो ट्रिक लाया हूँ वो है एक मैथ की ट्रिक। जी हाँ, बहुत ही कूल ट्रिक है। स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए बहुत ही जो है इजी और कूल ट्रिक है। तो आए जरा हम देखते हैं। देखें जी, यहाँ मैंने कुछ नंबर दिए हैं 26, 37, 87, 15, 25, 35, तो कुछ मैंने नंबर यहाँ दिए हुए हैं। देखें, इजी स्क्वायर निकालना तो बहुत आसान है। जैसे सबको पता होगा कि भाई 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा 4, 3 का स्क्वायर क्या निकलता है 9, 4 का स्क्वायर क्या निकलता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या निकलता है 25। तो ये वाले स्क्वायर निकालना तो बहुत ही आसान है, पर क्या ये आसान है कि हमें जो है 26 का या फिर 37 का स्क्वायर जल्दी से निकाल दें, ऐसे चुटकी बजाते हैं? तो जी थोड़ा मुश्किल है, पर इस ट्रिक के बाद वो भी आसान हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, इस ट्रिक के बाद आपके पेपर में भी आपका टाइम बचाना है और किसी आप टेस्ट में फंसे हो तो इंशाल्लाह इस ट्रिक से आपको बड़ा फायदा होने वाला। आए देखते हैं। नंबर पहला मैंने यहाँ लिया हुआ है वो है 26। तो 26 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, जरा गौर करिएगा। पहला नंबर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, 2 टाइम 2 इज 4। याद रखें, नंबर हमें पेयर में लेने हैं। अगर ये खुद ही टेंस यानी दो नंबर बन रहे हैं तो जीरो की कोई जरूरत नहीं, पर अगर ये 2 times 2 = 4 यानी कि 1 digit है तो जीरो हम अपना लगाएंगे। अब आए 6 का स्क्वायर कितना बनता है, 6 times 6 = 36। पहला स्टेप हमारा हो गया। अब जरा देखते हैं इधर क्या करना है, हमें तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 times 6 = 12, 12 times 2 = 24। कौन सा नंबर आ गया 24। अब देखिए जरा हमें करना क्या है, पहला नंबर छोड़ के कौन सा नंबर है 6, इसको छोड़ के ये नंबर बकाया के नीचे रखते हैं, यानी कि 4 इसके नीचे आएगा, 2 इसके नीचे आएगा, करें प्लस 6, 3 और 4 = 7 बन गए और 4 और 2 = 6 बन गए। जी हाँ, हमें अपना स्क्वायर मिल चुका है। 26 का स्क्वायर कितना है 676। आइए जरा मेरे साथ करें, दूसरा नंबर उठाते हैं कितना है 37। 37 का क्या निकालते हैं स्क्वायर, मेरे साथ करें, देखें फास्ट करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 0 हम अपना ले लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, हमने रख लिया। अगला स्टेप 3 times 7 = 21, 21 times 2 = 42, नंबर क्या आ गया हमारे पास 42। क्या करना है, पहले को छोड़ना है, बकाया के नीचे में क्या रख लेना है वही नंबर, फिर का क्या करेंगे प्लस कर ले 9 का 9, 4 और 2 = 6, 9 और 4 = 13। जी हाँ, हमें अपना स्क्वायर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारा क्या है 87। तो 87 का हम निकाल लेते हैं कि क्या बनता है स्क्वायर, बहुत ही आसान हो रही ट्रिक। 8 का स्क्वायर क्या, 8 times 8 = 64। देखें यहां जीरो की जरूरत नहीं हुई क्योंकि यहां दो नंबर खुद ही हैं, तो हमें जीरो की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं, 9 का स्क्वायर क्या, 7 times 7 = 49। पहला स्टेप हमें मिल चुका है, दूसरा क्या करना था, आपस में तो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 8 times 7 = 56, 56 times 2 = 112, कितना हो गया 112। करेंगे क्या, पहले नंबर को छोड़ेंगे, बाकी क्या क्या रख लेंगे 2, 1, 1, प्लस कर लेते हैं 9 का 9, 4 और 2 = 6, 4 और 1 = 5 और 6 और 1 = 7। जी हाँ, हमें अपना स्क्वायर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास यहाँ मैंने लिखे 15, 25 और 35। ये तो बहुत ही आसान है भाई, ये इनसे भी बहुत आसान है। कैसे आसान है, आज जरा देखते हैं। 5 के लिए हमेशा याद रख लो 5 times 5 कितना होने वाला है 25। 5 times 5 कितना हुआ 25। अब इसको देखना, ये नंबर कितना है, गौर कर जरा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्या नंबर है 1। 1 के आगे क्या आता है, ऑब्वियसली याद है हमके बाद 2 आता है, तो 1 times 2 = कितना हो गया 2, हमारा स्क्वायर आ गया। बहुत आसान है ना, आए जरा और एग्जांपल देख लेते हैं, कितना है 25, कितना है 25। चलें 5 के लिए अगेन क्या बन गया 25, 2 के बाद नंबर कौन सा आता है, ऑब्वियसली 3 आता है, तो 2 times 3 कितना बनता है 6 बनता है, 625 हमारा स्क्वायर निकल आ गया, किसका 25 का। आए अगला नंबर देखते हैं है 35।
35 का स्क्वायर होता है। अगेन 5 टाइम 5 इज 25, 3 के बाद नंबर कौन सा 4, सो 3 टाइम 4 बिकम्स 12, सो 1225 हमारा स्क्वायर निकला 35 का। कितना आसान है, बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और जो है मजेदार जो है ट्रिक्स सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरूर पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।